हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि लाल लाल फूलों से पूरा का पूरा यहां पर भर चुका है और ये जो लगा हुआ है देखिए टिन में ही लगा हुआ है। और दोस्तों, ये जो फूल है ये है एमरेलिस के फूल। एमरेलिस के इन फूलों को मैंने कब लगाया था, क्या केयर कर रहा हूँ जिससे कि इतने ज्यादा फूल हो रहे हैं और सालों साल टिके हुए किस तरीके से रह सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इस समय जो है अप्रैल का महीना चल रहा है और एमरेलिस के फूलों से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पौधा है वो भर चुका है। यहाँ पर जो है हमारे पास दो टिन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक इधर है और एक इधर है, और इन टिन में ही मैंने इन पौधों को लगाया था और अब से लगभग लगभग जो है 2 साल पहले मैंने इनको लगाया था। और पिछले साल भी इन पौधों में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हुई थी। पिछले साल ये दूसरी जगह पर रखे हुए थे ये जितने भी पौधे हैं, लेकिन इस साल जो है मैंने उसके बाद जब गर्मी होने लगी थी, पिछले साल फूल झड़ गए थे, तो यहाँ पर ला करके रखा था। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि सुबह की हल्की धूप गर्मियों के समय में होती है और सर्दियों में तो धूप यहाँ पर होती ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर इतने फूल खिले हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि एमरेलिस के जो फूल है इसको ज्यादा जो सन है या ज्यादा जो धूप है उसकी जरूरत नहीं है। अगर सुबह सुबह हल्की धूप आती है, 1-2 घंटे की धूप अगर आती है, तो ऐसे जगह पर भी जो एमरेलिस के पौधे हैं वो काफी अच्छे से हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दर्जनों फूल आपको इस समय नजर आएंगे और यहाँ पर जितने भी स्टिक है, एक एक स्टिक में जो है चार चार फूल निकलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से ये स्टिक निकल करके आता है और स्टिक में ये चार तरफ से चार फूल निकलते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, और भी कई सारे फूल जो है इन सब में थे, तो इससे मैंने जो है काट दिया है क्योंकि एकाधिक फूल जो सूख रहे थे उसको मैंने यहाँ से जो है कट किया है। तो इस तरीके से जो फूल सूख जाए उसको कट आप कर सकते हैं। और बाकी ये फूल दोस्तों लगाने में बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई आपको केयर नहीं करनी पड़ती है खास। इसमें मैंने बस इसके बल्ब को ला करके लगा दिया था और इसके बल्ब जो है बिल्कुल पैस के जैसे ही होते हैं, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसमें मैंने लगाया कैसे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने लिया है एक टिन, और टिन को कहेंगे कि टिन तो नीचे से सड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो टिन है मेरे पास 2 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन बिल्कुल वैसे का वैसे है। कारण ये है कि ये टिन जो है ऊपर से मैंने कट किया था, ऊपर से कट करके और नीचे के साइड में कुछ होल मैंने किए थे कील के हेल्प से। दोस्तों, इस टिन में जंग ना लगने का कारण ये है कि यहाँ पर जो टिन है इसको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ही मैंने कलर किया। अंदर से कलर करने से ये होता है कि जब पानी इसके अंदर लगता है, पानी और मिट्टी का टच होता है, तब भी इसमें जंग नहीं आता है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें सॉइल मिक्स तैयार किया। सॉइल मिक्स में जो है इसके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बनाया। इसके लिए लगभग जो है 40% हमने नॉर्मल जो मिट्टी है वो लिया था और इसमें थोड़ा सा 10-15% हमने रेता मिलाया और थोड़ा सा जो राइस हस्क होता है वो भी हमने मिला दिया, लगभग 20-25%। तो यही मिला करके हमने जो है इसकी मिट्टी तैयार की। और बाकी इसके अलावा जो गोबर की खाद है उसको भी लगभग 20% हमने ले लिया था। तो 20 से 30% आपको गोबर की खाद लेनी है और बाकी का जो है मिट्टी और राइस हस्क और रेता, ये तीनों मिला करके आपको लेना है। और इसी में जो है आपकी मिट्टी काफी भुरभुरी बन जाएगी और उसमें जो है आपको इसके बल्ब को लेकर के लगा देना है। चाहे तो ये जैसे पुराने पौधे हैं इसको निकाल करके भी आप लगा सकते हैं, बस जिस समय आप लगाए तो इसके पत्ते को काट दें, नहीं तो पत्ते जो है ज्यादा बड़े जो होते हैं वो इधर उधर लटकते रहते हैं, तो उस समय अगर आप इनके पत्तों को काट करके लगा देंगे तो बहुत अच्छे से पौधा ग्रो करने लगेगा। अगर मैं ये बात करूं कि कितने इंच के पॉट में लगाना चाहिए, तो इसमें जो है ज्यादा गहराई की हमें जरूरत नहीं होती, हालांकि यहाँ पर टिन है तो टिन तो थोड़ा सा गहरा होता है, लेकिन इतने गहराई की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आपका 7 इंच या 8 इंच की गहराई तक भी होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक भी ये होता तब भी जो है इस पॉट में अच्छे से ये हो जाता।
बाकी 12 इंच तक के पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो 3 या 4 बल्ब इसके लगा सकते हैं, चाहे तो एक पौधा भी आप लगा सकते हैं। एक भी लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर तक आते आते इसमें बहुत सारे जो पौधे हैं वो हो जाएंगे। और इसमें जो है बाकी कुछ भी केयर आपको करने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप चाहे तो सरसों की कली का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं और ना चाहे तो ना दे, लेकिन फूल आपके हर साल जो है आना निश्चित है, क्योंकि यही वो दौर होता है मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है उस समय इसमें फूल खिले हुए रहते हैं। और बाकी समय में जो इसके पत्ते होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी से भरा हुआ होता है। तो एज ए शो प्लांट के रूप में भी आप इसको अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं, इसके राइजोम किस तरीके के होते हैं उसको हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्रेट है और क्रेट में मैंने जो है एमरेलिस के पौधे को फिर से लगा दिया यहाँ पर। और क्रेट को मैंने देखिए किस तरीके से तैयार किया, अंदर जो है यहाँ पर टेप लगा दिया क्रेट के चारों ओर, और नीचे जो है कुछ घास फूस या सूखे जो पत्ते हैं वो मैंने डाला था, फिर कुछ मिट्टी डाली और फिर किचन वेस्ट से पूरा भर दिया था। और उसके ऊपर फिर जो सॉइल मिक्स मैंने आपको बताया कि जो राइस हस्क है और मिट्टी, गोबर की खाद और रेता, वो मिला करके इसमें मैंने थोड़ा डाला। और उसके बाद जो है मैंने ये राइजोम इसके लगा दिए थे। आप देखिए नए नए पत्ते इसके निकलने भी लगे हैं। यहाँ पर 4 ही पौधे मैंने इसमें लगाए और बहुत अच्छे इसमें होंगे। अगर मैं आपको निकाल करके थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का होता है ये जो दोस्तों पौधा है। देखिए दोस्तों ये वाला जो है इसका राइजोम है, इसमें कितने अच्छे रूट्स निकल रहे हैं। और ये जो है बिल्कुल प्याज की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोल सा है। बस इसी तरीके से आपको जो है इसके राइजोम निकालने हैं, या कहीं भी आपको पौधा मिले, बस एक पौधा भी अगर आप इसको लगा देंगे, कैसे भी लगा देंगे, तो ये वहीं से हो जाएगा, अपनी जड़े को फैला लेगा और एक पौधे से अगले साल के आते आते जो है 4-5 पौधे ये अपने आप मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से जो है आप लगा सकते हैं। और ऊपर के पत्ते देखिए मैंने यहाँ पर कट कर दिए थे, तो कट करने के बाद ये जो है नए पत्ते ये वाले निकले हैं, यहाँ से ये नया पत्ता निकला, यहाँ से, यहाँ से। तो इस तरीके से कट करें, आराम से जो है ये नए पत्ते आपके निकलेंगे। और बीच बीच में दोस्तों जो पत्ते हैं उसको आप कट करते रहिए, अगर बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तब तो जो नए पत्ते निकलेंगे तो वो पत्ते जो है देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगे। दोस्तों ठीक उसी तरीके से इन पौधों को मैंने लगाया था 2 साल पहले और अभी तक मैंने इनमें से जो है नहीं निकाला है पौधों को। पहली बार दोस्तों जब आप लगाए तो आपको 2 साल तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 12 इंच तक के गमले में लगाया है 3 बल्ब्स को, लेकिन उसके बाद जरूर जो है 2 साल के बाद एक बार आप निकाल दें और इसको निकाल करके दोबारा लगाएं। निकालना जो है आप कभी भी कर सकते हैं, और खासतौर से जब सर्दियां चली जाए, फरवरी का महीना हो, तो ऐसे में भी आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप अक्टूबर के महीने में भी इसको निकाल करके जो है फिर से लगा सकते हैं, और चाहे तो किसी भी समय कर सकते हैं। बस ये जो फूल आने का समय होता है इसका मार्च और अप्रैल का महीना होता है, तो इस समय को आप छोड़ दें, बाकी किसी भी समय जो है आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इससे जो है बल्ब जो अंदर बहुत ज्यादा घने घने हो जाते हैं तब इसमें फूल नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा। थोड़ा कम करके आप लगाएंगे, निकाल करके अलग अलग छुड़ा करके, तो फूल जो है आप देखेंगे कि काफी अच्छे हो रहे हैं। और बाकी दोस्तों अगर मैं कीड़े मकोड़े की बात करूं तो इस पौधे में कीड़े मकोड़ों का कोई अटैक मैंने नहीं देखा है, हमेशा इसके पत्ते जो है ऐसे ही फ्रेश रहते हैं, और चाहे आप इसकी देखभाल करें चाहे ना करें बिल्कुल वैसे ही रहती हैं। और जब पानी की जरूरत हो तभी आप इसको पानी दीजिएगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा वाटरिंग आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये फूल जो है अपने आप खिलते रहेंगे हर साल, और बिल्कुल लो मेंटेनेंस बिना केयर के, और जो है ये फूल भी मिलेंगे और साथ ही साथ पत्तों की सुंदरता भी आपको मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में एमरेलिस के इन फूलों को अवश्य लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।